नंबर सेल योर स्किल्स अगर आपके पास कोई भी स्किल है पूरी दुनिया इंटरनेट के थ्रू आपके स्किल को खरीदने के लिए अब तैयार हो चुकी है ऑप्शन आर ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग कॉन्टेंट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग मीम्स भी बना सकते हैं क्या आपको पता है फॉर एग्जाम्पल ये प्रमोशन नहीं है लेकिन अगर आप मीम्स बनाते हैं एंड वो मीम्स आप हमें भेजते हैं एट मीम्स एट डॉट कॉम

अगर आप एमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट एक सेलर बनकर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे जो कि कंज्यूमर्स या कस्टमर्स चाहते हैं देन यू कैन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्रॉप शिपमेंट स्टार्ट मेकिंग मनी ड्रॉप शिपमेंट क्या होता है जहां आप प्रोडक्ट के ओनर नहीं है एक्चुअली आपने किसी सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है फर्ज करिए कि वो किताबों का है एंड आपके पास एक कस्टमर है जो कि आपको एक मार्केट प्लेस से मिला है फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन तो एक कस्टमर अंकुर के नाम से Amazon पे जाके किताब खरीदता है आप उसके सेलर हैं लेकिन आपने वो किताब किसी पब्लिशर से सोर्स करी हुई है तो जैसे ही वो ऑर्डर आता है आप उस पब्लिशर को बोलते हैं जी अंकुर को इस एड्रेस पे ये किताब भिजवा दीजिए सो इट गेट्स शिफ्ट टू द कस्टमर एंड फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द टू थ्रू द मार्केट प्लेस कॉल्ड एमेजॉन यू कैन बी ए स्टूडेंट आप फैशन एक्सेसरीज कर सकते हैं फॉर मेन फॉर वुमेन आप मेकअप प्रोडक्ट्स कर सकते हैं आप ईटेबल्स कर सकते हैं वो कैच योर फैंसी एंड यू कैन थ्रू ड्रॉप शिपमेंट नेवर हैव टू गो थ्रू बाइंग दैट इन्वेंट्री आप सप्लायर को बोलेंगे ये ऑर्डर है उनको भिजवा दीजिए एंड आप ऑर्डर कलेक्ट करेंगे थ्रू सम समेस्ट लाइक एन एमेजॉन ग्रेट प्लेस टू मेक मनी नंबर तीन हेल्प अदर्स डू दे टास्क अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट्स के होमवर्क में उनकी मदद कर सकते हैं एंड दैट इज सच अ ग्रेट वे टू मेक मनी नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना जानते हैं देन आप दूसरे लोगों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं बिकमिंग अ ट्यूटर दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड ऑफकोर्स है तो बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है कैम्बली फॉर इंग्लिश ट्यूटरिंग चेग फॉर होमवर्क ट्यूटर मी ट्यूटर डॉट कॉम ये सारे डेस्टिनेशन आपको एक ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में पैसे कमाने का मौका देती है नंबर फोर सेल योर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास कोई ऑडियंस है किसी भी रूप में फर्ज करिएटर लिखते आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने न्यूज को सब्सक्राइब किया हुआ है ना हो यू कैन एक्चुअली मेक मनी थ्रू मोनिटाइजिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन आप अफिलियट मार्केटिंग कर सकते हैं अफिलियट मार्केटिंग इज अ ग्रेट वे टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल मैं अफिलियट मार्केटिंग करता हूं ऑन यूट तो जब कभी मैं मैं अपने बुक्स के बारे में कोई वीडियो बनाता हूं या गिफ्ट टू पेरेंट्स के बारे में वीडियो बनाता हूं या कोई भी और जहां आप एमेजॉन का लिंक देखते हैं वहां अगर आप क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मुझे एक अफिलियट इनकम मिलती है विच इज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू आप जिरोधा का लिंक देखते हैं उसको क्लिक करके अगर आप एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं तो मुझे उस ब्रोकरेज इनकम का एक शेयर मिलता है सो ऑन एंड सो ऑफ

देख के पक चुके होंगे लेकिन जनरेट ऑलमोस्ट एटीन करोड़ फॉर मी एंड ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं सबसे स्मार्ट इंसान हूं सबसे मेहनती हूं या सबसे कुछ ऐसा मेरे को पता है जो किसी और को नहीं पता आई एम जस्ट इज नॉर्मल एज यू तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं एंड यू नो यू आर बेटर इन डूइंग दैट

उनको कुछ बेनिफिट होगा उसके थ्रू ऑफ़ कोर्स पैसे कमा के एक इनकम स्ट्रीम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं नंबर छह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करिए कुछ ऐसा क्रिएट करिए जो सिर्फ आप और आप ही ओन करते हैं एंड आप दुनिया को बेचना चाहते हैं लोग आपसे खरीदना चाहते हैं गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ई बुक्स आप इलेक्ट्रॉनिक किताबें बनाते हैं एंड आप उस किताब को बेचते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल प्राइस मे बी नाइनटी नाइन आप कितने पैसे कमा रहे हैं ये है कि आप कितने लोगों को वो बेच पाएंगे क्या पता आप डिजाइन में बहुत अच्छे हैं एंड आप अपने डिजाइन ऑनलाइन डालकर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं आप म्यूजिक बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप म्यूजिक के थीम्स या शायद बैकग्राउंड स्कोर रिकॉर्ड करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं। आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी फोटोग्राफ्स स्टॉक इमेजेस ऑनलाइन डालते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं ऑल ऑफ दीज आर वेयर यू आर ब्रिंगिंग योर स्किल एंड नॉट सेलिंग द सर्विस बट एक्चुअल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ इट जो कि आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है नंबर सेवन कंटेंट बनाइए जो कि मैं करता हूं बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे करते हुए ऑनलाइन चाहे वो यूट्यूब पे हो लिंक्डइन पे हो ट्विटर पे हो इंस्टाग्राम पे हो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हैं देन यू अनलॉक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल द बेसिक इनकम स्ट्रीम इज एड रेवेन्यू तो अगर आप अपने चैनल पर एड्स को अलाउ करते हैं तो फॉर एवरी थाउजेंड व्यूज आपको एक परसेंटेज मिलता है ऑफ द मनी दैट गूगल स्लैश यूट्यूब मेक्स फ्रॉम इट यू कैन डू ब्रांड कोलेबोशन जहां आप ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं थ्रू योर कंटेंट तो मैं अक्सर आई मनी के बारे में स्मॉल केस के बारे में यूडमी के बारे में लेवरेज एडियो के बारे में इन सबके बारे में बात करता हूं बिकॉज दीज आर ब्रांड्स दैट वर्क विद मी एंड आई वर्क विद विथ टू इंश्योर कि ये सारे ब्रांड्स को एक विजिबिलिटी मिले जिसमें मैं बिलीव करता हूं क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज करता हूं व्हेन यू अनलॉक दैट यू अनलॉक मनी एज अ कंटेंट क्रिएटर नंबर एट एप्स बनाइए छोटे छोटे एप्स जो बहुत बड़े नहीं होंगे आपको उनको ट्विटर और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं बनाना है एक छोटे से यूज केस को सॉल्व करना है एंड देन यू फ्लिप दीज एड्स ऑन साइट लाइक माइक्रो अक्वायर डॉट कॉम तो ये एप्स जो है ये मैंने एड्स एड्स बोला 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 शायद बोला था तो ये एप्स जो हैं वो बहुत छोटा सा एक कुछ काम करते होंगे फॉर एग्जाम्पल एक ऐप जो मुझे पता था वो लोगों को बस ये याद दिलाता है कि उनको दिन में पानी पीना है आपका सिर्फ यही और यही काम है तो आप डिसाइड करते हैं कि आप कितने लीटर पानी पीना चाहते हैं एक बार में आप कितने लीटर पी सकते हैं तो वो आपके दिन को स्प्रेड आउट करके एक अलार्म बजाता है ऑटोमेटिकली फॉर यू टू बी रिमाइंडेड कि पानी पीना है दैट्स इट

अच्छे खासे पैसे बन गए फॉर उसको मोनिटाइज करिए अगर आप एस सी ओ वेबसाइट बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक सर्च क्वेरी के लिए जो गूगल पे करेंगे आप आपकी साइट हाई रैंक होनी चाहिए एंड अगर आपका वो काम कर गया विच हैपन्स थ्रू या सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन देन यू

कलेक्ट करिए लेकिन आप उसको ऑन नहीं करते एक तरीके से एंड एंड देन पीपल विल कम ब्राउज थ्रू दैट दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज इज कोर्सेज क्या है स्ट्रक्चर क्या है अगर रिव्यूज हैं तो वो क्या है फैकल्टी कैसी है सो ऑन एंड सो एफ एंड वहां आपने एड्स चलाने शुरू कर दिए ये एड्स किसके होंगे वो बिजनेस स्कूल्स जो एक्चुअली इन स्टूडेंट्स को चाहते हैं सो दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग सेल्स एंड इसके लिए आपको उन बिजनेस स्कूल्स के पास नहीं जाना पड़ेगा आप गूगल के एड प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम से इन एड्स को अपनी साइट पे डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे एंड यू स्टार्ट अर्निंग मनी आप अगर इसको एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं तो आप बोलते हैं अरे इस स्टूडेंट को मैं इंटरेस्ट जनरेट करके एक लीड बना सकता हूं तो आई विल एक्चुअली से आई यू इंटरेस्टेड इन हियरिंग फ्रॉम बिजनेस स्कूल फिलअप योर डिटेल्स नाम ई फोन नंबर शहर एंड देन You will make that into a lead, and you will actually sell that lead to multiple business schools, जो कि इस छात्र को कांटेक्ट करके, उनको अपने स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हैं। Remember, Just Dial यही करता था। If you don't know Just Dial, that's perfectly fine. But that is such a great way to make money, where you start unlocking multiple revenue streams, basis कि आप कितना SEO में अच्छे हो चुके हैं। तो ये नौ तरीके आपके लिए पैसे बनाने के लिए ऑनलाइन वेदर यू आर स्कूल स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट अ वर्किंग प्रोफेशनल अ फ्रीलांसर और अ होम मेकर यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ दीज के लिए आपको टेक्निकल होने की कोई जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ दीज आर अवेलेबल एंड डेमोक्रेटाइज थ्रू द इंटरनेट एंड देर इज नो एक्सक्यूज कि अगर आप अपने लिए एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं यू कॉन्ट गेट स्टार्टेड ऑन ऑफ दैम कोई और है दसवां ग्यारवा आइडिया जो मैंने मिस कर दिया है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर एवरीवन एल्स दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं बहुत सिंपल किताब है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में यह किताब लिखी गई है इस बुक को खरीदने के लिए लिंक एमेजॉन का पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में है